पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व अनिस मंसूरी ने कहा कि 16 सालों के लंबे संघर्ष के बाद जब हमने पसमांदा मुसलमानों की समस्याओं को लेकर देश में जन आंदोलन खड़ा किया तो जिम्मेदारी सोच रखने वाली राजनीतिक पार्टियों और उन पार्टियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सरकारी मौलानाओं व नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे लोग पसमांदा आंदोलन को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। अनिस मंसूरी आज पसमांदा मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित पसमांदा मुस्लिम समाज सम्मेलन, प्रेस वार्ता, रहमत पब्लिक स्कूल जामा मस्जिद चौराहा मुरादाबाद में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर फिरासत हुसैन गामा, प्रदेश अध्यक्ष घोसी महासभा अनवार अब्बासी, महासचिव अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश मोहम्मद तालिब अंसारी, मंडल अध्यक्ष मोमिन अंसार सभा शाकिर अली रायनी, अध्यक्ष मजदूर सभा साजिद मंसूरी, महासचिव पीतल बस्ती दस्तकार एसोसिएशन डॉक्टर हसन सलमानी, पूर्व पार्षद जमशेद कुरैशी, एडवोकेट जहूर मलिक, तस्लीम पहलवान बंजारा, फहीम मंसूरी, अध्यक्ष जैनब वेलफेयर, कारी जाकिर अंसारी, नाजिम मुनीर, महबूब आलम अंसारी, अशरफ पहलवान, सरपंच घोसी महासभा, अरहम अली अंसारी, अनवर वारसी सैफी, शकील मंसूरी चांदपुर, सहवेज मंसूरी, मुदस्सिर इस्लाम, सोएब इदरीस सैफी, जफर अली, इकबाल मुरादाबादी, रोबिन मंसूरी, फैजान मंसूरी, सलमान मंसूरी, शाहरुख मंसूरी, आशु मंसूरी, जुहेब मंसूरी, मुनीर आलम मंसूरी, जनपद मुरादाबाद के अलावा बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, संभल के अतिरिक्त कई जनपदों के लोग उपस्थित थे। देखिए, पिछले 16 सालों से पसमांदा मुस्लिम समाज के लिए हम भारत के 8 राज्यों में काम कर रहे हैं और मेरा अनेकों बार मुरादाबाद में प्रोग्राम हुआ है और यहाँ के लोग हमारे साथ 16 साल से जुड़े हुए हैं और हम पसमांदा मुस्लिम समाज की मांगों को लेकर के इंडिया गठबंधन में जो हम हैं अभी समाजवादी पार्टी में है, माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी बात हो रही है कि इस गठबंधन इंडिया गठबंधन में पसमांदा मुसलमानों के डिमांड को लेकर के उस पर विचार होना चाहिए और जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हो सम्मिलित रूप में उसमें पसमांदा मुस्लिम समाज के मसले को होना चाहिए। देखिए, पसमांदा मुस्लिम समाज की नीतियाँ स्पष्ट हैं। हम लोग जो धारा 341 में रिजर्वेशन 10/1950 की वृद्धि किया गया, सिखों को बहाल कर दिया, बौद्धों को बहाल कर दिया, ईसाई और मुसलमानों को बहाल कर दिया। हम उसी मांग को लेकर के बराबर काम पूरे प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी कई 8 राज्यों में काम कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि पसमांदा मुस्लिम समाज मुसलमानों की आबादी है, 85% आबादी है और हमारी भागीदारी 5% है, जो 15% के अपर कास्ट के मुसलमान हैं उनको 95% भागीदारी राजनीतिक पार्टियाँ देती हैं। इसलिए हमारी उनसे भी शिकायत है कि हम प्रधान से प्रधानमंत्री तक पसमांदा बनाता है, अपने वोट का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब बारी आती है उन्हें कुछ पाने की तो ये अपर कास्ट के ऊंचे मुसलमानों को उठा के दे दिया जाता है। और जब पसमांदा समाज आज देश के अंदर एक बड़ा रूप ले चुका है, अब पसमांदा मुस्लिम समाज संगठित हो चुका है, तो अब कुछ बड़े मुसलमानों में भी हमारे संगठन को धक्का पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए तरदार जानवर हो रहा है। जैसे आपके मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन साहब ने ये बात कहा कि पसमांदा इस्लाम में पसमांदा मुसलमानों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने उसका विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे बात भी किया है और कहा कि अपनी बात वापस लीजिए, नहीं मुरादाबाद के पसमांदा मुसलमान आपको अगले चुनाव में जवाब दे देंगे, हो सकता है आपको टिकट भी ना मिले। इस बात को लेकर नाराजगी हमारे पसमांदा मुसलमान को में बहुत ज़बरदस्त है उनके प्रति, क्योंकि इन्होंने कहा इस्लाम में, मैं मानता हूँ इस्लाम में कोई जात पात नहीं है, इस्लाम में सब बराबर है, लेकिन मुसलमानों में हिंदू जैसी व्यवस्था है, जात पात की व्यवस्था मुसलमानों में है। अगर ऐसा नहीं होता, राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट आई, रंगलाल मिश्रा की रिपोर्ट आई और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू हुआ, समाज की लड़ाई एक बड़े स्तर पर लड़ी जा रही है और सरकार ने उनको हमेशा सुविधाएं दी हैं। इसलिए
ऐसे लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, गुमराह पैदा करते हैं, उनको पसमांदा मुस्लिम समाज आने वाले चुनाव में उनको सबक जरूर सिखाएगा।